नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद के नाज मंडी के पीछे मार्केट कमेटी के द्वारा आज अटल किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ किया गया। कैंटीन का शुभारंभ सिरसा के सांसद सुनीता दुग्गल ने किया। इस मौके पर फतेहाबाद के विधायक डूडाराम भी मौजूद रहे। शुभारंभ के बाद सांसद और विधायक ने एक साथ बैठकर कैंटीन का खाना खाया। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि प्रदेश में 4 जगहों पर यह अटल कैंटीन खोली जा चुकी है। आने वाले समय में 20 नई जगहों पर यह कैंटीन खोलने का लक्ष्य रखा गया है और इस कैंटीन में मजदूरों और किसानों को 10 रुपये में भर पेट खाना दिया जाता है। सुनीता दुग्गल ने कहा कि फिलहाल शुरुआत में 300 लोगों के खाने की व्यवस्था इस कैंटीन में की गई है, जिसके बाद इसे और बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिला समूहों की सहायता से इस कैंटीन को चलाया जा रहा है ताकि महिलाओं को भी रोजगार मिल सके। बजट को लेकर भी सुनीता दुग्गल ने कहा कि हरियाणा का बजट काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सांसदों के साथ पिछले दिनों बैठक भी हुई है। फतेहाबाद की ठप हो चुकी मेडिकल व्यवस्था और कोरोना वायरस से निपटने की तैयारी को लेकर पूछे एक सवाल पर सांसद सुनीता दुग्गल ने अजीब तर्क दिया। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद के लोग काफ़ी अच्छे हैं, कोरोना वायरस फतेहाबाद में आने की हिम्मत ही नहीं रख कर सकता। हालांकि उन्होंने बाद में यह भी कहा कि इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री से बात की जाएगी ताकि डॉक्टरों की संख्या फतेहाबाद के सरकारी अस्पतालों में बढ़ाई जा सके। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर पूरे हरियाणा के अंदर 5 जो है वो अटल किसान मजदूर कैंटीन जो है इसका शुभारंभ किया गया है। आज 15 तारीख है, चौथी जो है ये कैंटीन यहाँ पर फतेहाबाद जिला में हमारे जो है किसान भाई और मजदूर भाई उनके लिए जो है इस कैंटीन का उद्घाटन किया गया है। और परसों जो है वो चौथी नूह में, पांचवी जो है वो नूह में खुलने जा रही है। तो इस साल में मैं ये कहूँगी कि पूरी 5 जो है कैंटीन का शुभारंभ आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो है ये योजना लाई गई है और इसके बाद 20 कैंटीन और जो है वो अगले साल खोली जाएगी। इस कैंटीन के तहत सिर्फ 10 रुपये में हमारे मजदूर भाइयों को, किसान भाइयों को जो है वो भरपेट भोजन मिल पाएगा, जिसमें चावल हैं, जिसमें 4 चपाती हैं, दाल है और जो भी सीजन की सब्जी है वो है और पानी है। तो ये सब चीज़ें एक थाली के रूप में 10 रुपये में जो है वो उपलब्ध करवाई जाएंगी हमारे जो गरीब मजदूर भाई हैं और किसान भाई हैं उनके लिए। तो मैं कहती हूँ कि बहुत बहुत बढ़िया ये योजना है और सबको मैं इस बात के लिए सभी अधिकारियों को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी पी दलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लोगों का खाना इस कैंटीन के अंदर? देखिए अभी तो 300 के करीब का जो है इन्होंने रखा है इसमें प्रोविजन, लेकिन अगर इसमें अच्छा रिजल्ट आता है तो हमारी कोशिश रहेगी कि इसको और बढ़ाया जाए, क्योंकि इससे हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं उनको भी रोजगार मिलता है और उनको भी जो है बहुत एक अच्छा एक प्रोत्साहन मिलता है। उसमें बहुत सी बातों पर चर्चा हुई, जैसे कि अगर हम बैरन लैंड की बात करें, हमारे खासकर इस एरिया में भी बैरन लैंड है, उस किसानों को बैरन लैंड को किस तरह से हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, सरकार की तरफ से क्या सोलर जो प्लांट है वहाँ पर सोलर एनर्जी के प्लांट वो लगाए जा सकते हैं और जो हमारी गोबर गैस प्लांट है वो लगाए जा सकते हैं, तो किस तरह से उस ज़मीन को इस्तेमाल किया जाए इसके बारे में चर्चा हुई। और भी बहुत सी ऐसी बातें किसानों के लिए हम और क्या कर सकते हैं, महिलाओं के लिए और क्या कर सकते हैं, इन सब के बारे में पूरे विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बजट में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इस बात में। कुछ के अंदर जिस प्रकार से मेडिकल स्थिति है, मेडिकल की यहाँ डॉक्टर्स नहीं है, MD एक डॉक्टर है, एक चर्ची भी है, इसके अलावा कोई नहीं है, और जिस प्रकार से वैश्विक दृष्टिकोण से अगर हम देखें कोरोना वायरस का जिस तरह चल रहा है, अगर खुदा न खास्ता से कोई स्थिति आती है तो फतेहाबाद के हालात तो आई थिंक एक बहुत बुरे हो जाएंगे। इसका इस तरफ क्या कदम ऐसा है, सबसे पहले तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो इस तरह का वायरस यहाँ पहुँचे ही ना, और पहुँचेगा भी नहीं। यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोरोना वायरस हिम्मत कर पाएगा यहाँ तक आने की। लेकिन फिर भी आपकी बात को भी मैं मानती हूँ कि यहाँ पर और ज़्यादा अच्छी मेडिकल सुविधाओं की ज़रूरत है, उसके लिए हम हमारे जो हमारे मंत्री जी हैं अनिल विज जी से उनके नॉलेज में भी ये बात लेकर आएंगे और जितना जो कुछ हो सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। और डॉक्टर्स की भर्ती बहुत जल्दी, काफ़ी सारे डॉक्टर्स की भर्ती भी होने वाली है, उसके बाद मुझे लगता है कि काफ़ी जो है वो स्मूथ हो जाएगा।